साझा की गई एक्सक्लूसिव जानकारी है। सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे, उसके बाद अनिल विज का नाम है, कृष्णलाल पवार हैं, फिर राव नरबीर हैं, महिपाल ढांडा हैं। जो कुछ नए नाम सामने आए हैं वो आपको बता दें, आरती राव, गौरव गौतम, राजेश नागर, कृष्ण बेदी पहले भी मंत्री रह चुके हैं, श्रुति चौधरी भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगी, श्याम सिंह राणा भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने वाले हैं, अरविंद शर्मा भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने वाले हैं। यानी मुख्यमंत्री के अलावा 13 मंत्रिमंडल में साथी बनने वाले हैं नायब सिंह सैनी के। मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 14 नेता आज शपथ लेने जा रहे हैं नई सरकार के शपथ समारोह में। और दूसरे नंबर पर अनिल विज का नाम है, तीसरे नंबर पर कृष्णलाल पवार हैं। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं शशि रंजन जी, आपने सभी नाम बता दिए हैं सर, इन्हें किस तरह से आप देख रहे हैं? रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरे हरियाणा की नजर इस वक्त और इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है कि कौन मंत्री बन रहे हैं। कुल 14 लोग आज शपथ लेंगे, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्री आज शपथ लेंगे, यानी शपथ लेने वालों की संख्या 14 होगी। पहले नंबर पे नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, दूसरे नंबर पे अनिल विज बतौर मंत्री शपथ लेंगे, तीसरे नंबर पे कृष्णलाल पवार बतौर मंत्री शपथ लेंगे, चौथे नंबर पे राव नरवीर बतौर मंत्री शपथ लेंगे, पांचवें नंबर पे महिपाल ढांडा बतौर मंत्री शपथ लेंगे, छठे नंबर पे विपुल गोयल बतौर मंत्री शपथ लेंगे, सातवें नंबर पर अरविंद शर्मा बतौर मंत्री शपथ लेंगे, आठवें नंबर पे श्याम सिंह राणा बतौर मंत्री शपथ लेंगे, नौवें नंबर पे रणवीर गंगवा बतौर मंत्री शपथ लेंगे, दसवें नंबर पे कृष्ण बेदी बतौर मंत्री शपथ लेंगे, ग्यारहवें नंबर पे श्रुति चौधरी बतौर मंत्री शपथ लेंगी, बारहवें नंबर पे आरती राव बतौर मंत्री शपथ लेंगी, तेरहवें नंबर पे राजेश नागर बतौर मंत्री शपथ लेंगे, चौदहवें नंबर पे गौरव गौतम बतौर मंत्री शपथ लेंगे।